जैसे कि गाइस अब जो हमारा सारा ऑयल निकल चुका है, तो चलिए गाइस सबसे पहले स्प्रिंग डालना है, ठीक है। तो स्प्रिंग उल्टा है, उसको इस तरीके से डालना है, हाँ बैठा हुआ नीचे के हिस्से में डाल देना। फिर उसके बाद एक यहाँ पर वार्सल डालना है, वार्सल, हाँ ये वार्सल डाल देना है। अब ये बुश को डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक का सिक्का डालना है, एक का सिक्का डालना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक का देखिए यहाँ पर हमने सिक्का को डाल दिया। अब यहाँ पर ऑयल डालना है, इसको क्या करना है, हमें हार्ड करना है, इसीलिए क्योंकि सॉकर काफी ज्यादा दबा हुआ रहता है। एक का सिक्का को हटा लो, तब तेल ज्यादा डलेगा उसके अंदर। हटाओ एक का सिक्का को पहले, हाँ हटाओ, डालो तेल, डालो फटाक से। थोड़ा सा ऑयल रोकना है, थोड़ा सा रोक देना, ठीक है। अब एक का सिक्का डालो, ठीक है। अब स्प्रिंग को डालो, स्प्रिंग छोटा स्प्रिंग को डाल दो। अब इसका नट को लगाओ, हाँ। तो सबसे खास बात इसका ये बता देता हूँ बस, होता क्या है जब हम गाड़ी को चलाते हैं उस समय क्या होता है, सॉकर ज्यादा दबाव रहता है। अब हमने ये जुगाड़ जब कर दिया तो इससे क्या है, ज्यादा दबाव नहीं रहेगा और काफी स्मूथ सॉकर चलेगा। तो सेम प्रोसेस वही है, दूसरा वाले सॉकर को भी सेम वैसे ही लगाना है। तो सबसे पहले स्प्रिंग को डालो, दबा हुआ ऐसा नीचे दबाओ, हाँ इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद एक वार्सल डालो, पतला वाला जो वार्सल होता है उसको डालो। उसके बाद बुश को डालो, हाँ उसको साफ करो थोड़ा सा, कचरा नहीं डालना, पैसा भी मत डालना, बाद में डालना, ऑयल डालो। अब जो गैस ये हमारे पास जो है सॉकर ऑयल 175 ml का होता है, इसी को डालना है, डालो। थोड़ा सा बिल्कुल रोकना है, मैक्सिमम 170 ml ही हमें डालना है बस। अब जो है यहाँ पर एक का सिक्का को डालना है, एक का सिक्का डालो वहीं पर है, हाँ ये हमारे पास क्या है, एक का सिक्का है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब स्प्रिंग को डालना है, छोटा स्प्रिंग, ये हमारा क्लच का स्प्रिंग होता है, क्योंकि हर गाड़ी का स्प्रिंग बैठ जाता है, इसी को उठाने के लिए हमने ये जुगाड़ किया है और काफी यूजफुल जुगाड़ है ये। तो आप इस तरीके से करेंगे तो काफी अच्छा सॉकर चलेगा। अब ये वार्सल लगाकर आप टाइट कर देना, इसको सॉकर को फिट कर देना, तो डालो उसको। अब बिल्कुल तो जैसे कि गाइस देखिए अब हमारा जो है ये सॉकर कंप्लीट हो गया। पहले क्या था, जैसे हम बाइक को उतारते थे नीचे तो ये यहाँ तक क्या होता था, अंदर रहता था। जब हमने ये स्प्रिंग का जुगाड़ कर दिया तो ये अब अंदर नहीं रहेगा, रॉड ऊपर की ओर रहेगा और काफी स्मूथ हो गया है ना। पहले क्या होता था, दबा हुआ रहता था, अब क्या है हाइट ऊंचा हो गया, यानी कि खिलने लगा। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।